हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सोनी, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मिनोक्सिडिल के बारे में। मिनोक्सिडिल कैसे लगा सकते हैं, कौन लगा सकते हैं, कब तक लगाना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मिनोक्सिडिल कब कब बंद कर देना चाहिए। नॉर्मली मिनोक्सिडिल जैसे अपन समझते हैं हर जगह मिलने वाला एक लिक्विड मेडिसिन है जो हेयर फॉल रोकने के काम आता है। मिनोक्सिडिल FDA अप्रूव मेडिसिन है, मतलब यही दवाई है जो दुनिया भर में बेस्ट हेयर फॉल रोकने के काम आती है। ये दवाई इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि इसके इफेक्ट्स सबसे अच्छे हैं और साइड इफेक्ट सबसे कम है। मिनोक्सिडिल कम से कम 30-40 साल से मार्केट में है और मेडिकली प्रूवन है हेयर फॉल रोकने के लिए। मिनोक्सिडिल क्या काम करता है? नॉर्मली मिनोक्सिडिल जब भी हम स्कैल्प पे लगाते हैं तो ये हेयर फॉल कम करता है, पतले बालों को जो मिनिचराइज हेयर होते हैं उनको थोड़ा ग्रो कराता है। मिनोक्सिडिल स्किन में ब्लड सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा देता है जिससे ये सारे रिएक्शंस दिखते हैं। नॉर्मली मिनोक्सिडिल तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है जब किसी को एक्सेसिव हेयर फॉल, जेनेटिक हेयर फॉल हो रहा हो, कुछ और हेयर फॉल कंडीशन में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट मिनोक्सिडिल कब चालू करना है ये डॉक्टर से सलाह लेके ही चालू करें, खुद से चालू ना करें, क्योंकि कई बार मिनोक्सिडिल कई ऐसे पेशेंट्स को चालू नहीं किया जा सकता जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर मिनोक्सिडिल से साइड इफ़ेक्ट्स होने की प्रॉब्लम है या फिर ऐसी कंडीशन जो मिनोक्सिडिल से ट्रीटेबल नहीं है, जैसे कई बार एलोपेशिया एरिएटा के कारण पैचेस बनते हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग है। तो पहले तो ये अपने को डॉक्टर से जाके मिल के कन्फर्म करना चाहिए कि जेनेटिक हेयर फॉल ही है कि नहीं। जेनेटिक हेयर फॉल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हेयर फॉल पैटर्न क्या है। जनरली बायफ्रंटल मतलब फ्रंट से बाल झड़ना और वर्टिक्स से बाल झड़ना जहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा जेनेटिक हेयर फॉल में देखा जाता है। जेनेटिक हेयर फॉल में ही पहले बाल पतले होते हैं, उनकी ग्रोथ रेट कम होती है, फिर वो मिनिचराइज या बहुत बारीक हो जाते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं। यही जेनेटिक हेयर फॉल है जब मिनोक्सिडिल को प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसका बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। मिनोक्सिडिल जब लगाते हैं 2% फीमेल्स में या 5% मेल्स में लगाया जाता है और हर 12 घंटे के अंतर में लगाने से ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। कई पेशेंट पूछते हैं कि 5% दो बार लगाने से अच्छा क्या हम 10% एक बार ही लगा लें? नहीं, क्योंकि मिनोक्सिडिल का इफेक्ट 12 घंटे में वीन ऑफ या चला जाता है, इसलिए हर 12 घंटे में लगाने से ही बेस्ट इफेक्ट मिलता है। 5% मिनोक्सिडिल के बदले 10% लगाने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि उससे ड्राइनेस इचीनेस ज़्यादा रहती है, इसलिए 5% ट्वाइस डेली लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ऐसे ही फीमेल्स में 2% ट्वाइस डेली लगाना प्रेफरेबल होता है। जनरली मिनोक्सिडिल जब भी आप लगाएंगे तो आपको हेयर फॉल का एनर्जन फेज एनहांस मिलेगा, हेयर फॉल का ग्रोइंग फेज को एनहांस कर देता है वो, इसलिए हेयर ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, गिरते नहीं हैं जल्दी से। पतले बालों को थोड़ा मोटा कर देता है, जो अब बहुत बारीक बारीक बाल हो रहे हैं थोड़े मोटे हो जाएंगे, और कहीं पे बाल थोड़े से बारीक बचे हुए हैं तो उनको थोड़ा मोटा करने के कारण वहाँ घनापन दिखता है, स्पेशली वर्टेक्स वाले एरिया में और मिड स्कैल्प में। ऐसे पेशेंट जिनको हेयर लाइन पीछे चली गई है वो हेयर लाइन को आगे करने का काम नहीं कर पाता है। इनिशियली मिनोक्सिडिल जब भी चालू करते हैं शुरू के मंथ में कई बार हेयर फॉल बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाता है। मिनोक्सिडिल का इफेक्ट दिखने में 3 से 6 महीने लगते हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें कि 1 महीने लगा के छोड़ दें। जब 3-4 महीने 6 महीने में इसका इफेक्ट दिखता है तो इसको कंटिन्यू रखने में ही इफेक्ट कंटिन्यू रहता है। ऐसा हो सकता है कि आप 6 महीने बाद देखें कि रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं तो मैं दवाई छोड़ देता हूँ। दवाई छोड़ने से जो भी इफेक्ट 6 महीने में आया है बहुत ही जल्दी वीन ऑफ हो जाता है, मतलब जहाँ बाल थोड़े घने दिखे थे एकदम से चले जाते हैं, जहाँ बाल थोड़े रुके थे वो एकदम से ज़्यादा तेज़ झड़ने लगते हैं। आप इसके इफेक्ट को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कोई अपन डैम बना के पानी रोक देते हैं, इसी तरह मिनोक्सिडिल हेयर फॉल रोकने के लिए डैम जैसा काम करता है। जैसे ही डैम के गेट खुलेंगे या मिनोक्सिडिल बंद करेंगे तो बहुत सारा पानी बहेगा या बहुत सारे हेयर फॉल भी होगा, इसी तरह मिनोक्सिडिल का भी इफेक्ट रहता है। अगर 6 महीने साल भर यूज़ करने के बाद आप एकदम से मिनोक्सिडिल छोड़ देते हैं तो बहुत सारे बाल एकदम से गिरते हैं, और रीस्टार्ट करने के बावजूद भी फिर से वो बाल वापस नहीं आते, ऐसा कई बार देखा गया है। इसलिए मिनोक्सिडिल को ऑफ एंड ऑन नहीं करना चाहिए कि 3-4 महीने 6 महीने लिया फिर 2-4 6 महीने छोड़ दिया फिर चालू किया। अगर ऐसा करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट आपको ज़्यादा बेटर नहीं मिलेंगे और बॉल्डनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब भी हेयर फॉल ज़्यादा दिखे हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके मिनोक्सिडिल के बारे में पूछें, और मिनोक्सिडिल स्टार्ट होता है तो उसको कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म यूज़ करें, जल्दी ना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है।
अब हेयर ट्रांसप्लांट में मिनोक्सिल का क्या इफेक्ट है, क्या फ़ायदा है, ये जानना भी ज़रूरी है। जब भी मिनोक्सिल अपन हेयर ट्रांसप्लांट के साथ यूज़ करेंगे तो ये ट्रांसप्लांटेड बाल को तो मोटा करेगा ही, साथ में जो नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, पुराने बाल हैं, उनको भी मोटा कर देता है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो भी ट्रांसप्लांट का आना है साथ में मिनोक्सिल यूज़ करने से वो एनहांस हो जाता है। बट जब मिनोक्सिल छोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो इफेक्ट मिनोक्सिल वाला चला जाता है, सिर्फ ट्रांसप्लांट का ही इफेक्ट रहता है। इसलिए कई बार पोस्ट ट्रांसप्लांट हम देखते हैं कि साल भर डेढ़ साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, और जैसे ही मिनोक्सिल छोड़ते हैं तो मिनोक्सिल के इफेक्ट जाने के कारण ओवरऑल रिजल्ट कम हो जाते हैं। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट वाले हेयर का हेयर फॉल हो गया और रिजल्ट्स ख़राब हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट वाले हेयर क्योंकि क्वांटिटी में हमेशा कम रहते हैं, और मिनोक्सिल से जो हेयर मेंटेन किए होते हैं और नए आते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए मिनोक्सिल छोड़ने के कारण हेयर फॉल जो होता है ओवरऑल रिजल्ट कम होते हैं, और ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांट के भी रिजल्ट कम हो गए, जो कि ऐसा है नहीं। ट्रांसप्लांट और मिनोक्सिल जोड़ के जो रिज़ल्ट आया होता है वो मिनोक्सिल जाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कई बार ट्रांसप्लांट और करके नए बाल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर ये बोला जाता है कि सिंगल ट्रांसप्लांट लाइफ लॉन्ग नहीं चल पाता है, उसके साथ साथ कई बार टॉप अप करने की और बाल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका हेयर फॉल जेनेटिक पैटर्न प्रोग्रेसिव है, मतलब हेयर फॉल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादातर यंग एज ग्रुप में ऐसा ही देखा गया है। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा जब मिनोक्सिल अपन यूज़ करते हैं तो कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं? नॉर्मली इचिंग होना, चक्कर आना, या फिर घबराहट होना, क्योंकि मिनोक्सिल का काम होता है हेयर फॉल कम करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कम करता है, इसीलिए हेयर फॉल के साथ साथ कई बार ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और चक्कर आना, जी मचलाना और घबराहट होना जैसी प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलें, वो इसका डोज एडजस्ट करेंगे और आपको इसको लगाने का तरीका भी बताएंगे। मिनोक्सिल जब भी लगाया जाए उसका क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ml ड्रॉपर से या स्प्रे से 5 बार स्प्रे करने से 1 ml क्वांटिटी आती है। वही 1 ml क्वांटिटी सुबह और शाम 2 बार लगानी होती है। जब भी लगाएं ऐसा ना हो कि बालों के ऊपर चिपक के रह जाए, वो हमेशा स्किन के पास जाना चाहिए और स्किन पे हल्का सा मसाज करके उसको मिक्स कर देना होता है। तो जब भी स्प्रे यूज़ करें बालों को हटा के स्प्रे करें, या फिर ड्रॉपर से लगाएं जिससे स्किन में अच्छे से वो मिक्स हो जाए। मिनोक्सिल लगाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लगा रहे हैं। कई बार वो ज़्यादा ड्राइनेस करता है, इचीनेस करता है, तो आप डॉक्टर से मिलें, वो उसका कंपोजिशन चेंज करें। कुछ आजकल लिपिड बेस्ड मिनोक्सिल आते हैं जो इचीनेस ड्राइनेस कम करते हैं, उनको प्रिस्क्राइब कर देंगे तो वो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। मिनोक्सिल जेल्स भी आती हैं, वो जेल्स भी इचीनेस और ड्राइनेस कम कराती हैं। तो मिनोक्सिल के बारे में जो ये जानकारी है, होपफुली इससे आपको जानना मिला होगा कि मिनोक्सिल कब लगाया जाए, कैसे कंटिन्यू किया जाए और कैसे स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और भी कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें मिनोक्सिल के बारे में और हेयर फॉल के बारे में स्पेशली लॉन्ग डिस्कशंस में समझाया गया है। हमारे YouTube चैनल के अलावा आप नॉर्मल हमारे Facebook पोस्ट और Instagram पोस्ट भी देख सकते हैं, जिनमें रेगुलर अपडेट्स होते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। धन्यवाद।